जो विश्वास करता है उसे कोई सबूत की जरूरत नहीं है, और जो विश्वास नहीं करता उसके लिए कोई भी सबूत पर्याप्त नहीं। कहना है संत अगस्तीन का। वास्तव में संत अगस्तीन भी पहले शुरुआत में सच्चाई की, ईश्वर की खोज में लगे रहे और कलीसिया की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनके मन परिवर्तन के बाद यही उनका कहना कि बिना सबूत के विश्वास करना, अन्यथा वो विश्वास ही नहीं रह जाता। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए अपना पहला पत्र अध्याय 13 जिसमें वे प्रेम का वर्णन करते हैं, प्रेम वास्तव में क्या है, उसमें पद संख्या 7 में भी लिखते हैं, प्रेम सब कुछ पर विश्वास करता है, प्रेम सब कुछ पर विश्वास करता है। लेकिन हमें बहुत सारी बातों पर विश्वास करना बहुत असंभव सा लगता है, विशेष रूप से आज कैथोलिक कलीसिया के जो परंपरागत शिक्षा है, पवित्र बाइबल भी वास्तव में उसी के अंतर्गत आता है, इस पर हम बहुत बार मनन किए हैं। इसके बाहर जो पारंपरिक शिक्षा है या परंपरागत शिक्षा है, इस पर बहुत कम लोग विश्वास कर पाते हैं, और यहां तक बाइबल में भी जो बातें लिखी गई हैं उस पर भी बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं। मैं गैर क्रिस्ती लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, इसमें कैथोलिक भी सम्मिलित हैं और गैर कैथोलिक। विश्वास नहीं कर पाने का मुख्य कारण क्या है? संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट, जैसे मैंने पहले से कहा है, इन्हीं का पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द रोसरी से हम मनन चिंतन कर रहे हैं। ये अपने इस पुस्तक में लिखते हैं कि एक व्यक्ति विश्वास नहीं कर पा रहा है तो उसका विशेष रूप से दो कारण हो सकते हैं, एक है घमंड या अहंकार और दूसरा है स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता। घमंडी व्यक्ति कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, वो बोलेगा सब मुझे ही केवल मालूम है, सब कुछ मुझे पता है और किसी को कुछ मालूम नहीं, और मैं जो जानता हूं वही सच है। एक घमंडी है, एक नम्र नहीं हो सकता सच्चाइयों को स्वीकार करने का। और जो दूसरा कारण है स्वतंत्रता की बात, वास्तव में कैथोलिक कलीसिया से जो कलीसिया अलग होकर प्रोटेस्टेंट चर्च जो बना उसका कारण यही है, ये दोनों कारण घमंड और स्वतंत्रता। मतलब मैं जो सोचूंगा या मैं जो मानता हूं, मैं जो व्याख्या करता हूं, इससे मैं जो समझता हूं पवित्र बाइबल से, यही सच है। तो हम आज देखते हैं शुरुआत में जो एक खंड में अलग होने की जो बात कर रहे थे, वास्तव में वो जो 16वीं सदी में वो एक खंड में नहीं तीन खंड में अलग हुए, और आज लगभग 500 साल के अंतर्गत आज ये लगभग 50,000 से ऊपर। मैं क्यों ये बात आज कह रहा हूं, क्योंकि पवित्र रोजरी विनती पर बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे मैं इसके पहले भी एक दिन कहा हूं, बहुत सारे लोग, शायद मैं भी आप भी उसमें सम्मिलित होंगे, मैं भी कभी कभी सोचा करता था ये केवल एक भेद को बोल के हमारे पिता एक बार और 10 बार प्रणाम मरिया बोलो, और इस प्रकार 53 बार प्रणाम मरिया और 6 बार हे हमारे पिता बोलो, ये किस प्रकार की प्रार्थना है। लेकिन हम जैसे इसके पहले भी मनन चिंतन करते आ रहे हैं इन दिनों में, हम देख रहे हैं कि ये जो रोजरी विनती है ये मां मरियम के द्वारा प्रिय की ईश्वर हमें प्रदान किए, इस पर हम बहुत सारे प्रश्न उठा सकते हैं, ये कितना सच है क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा गया है, रोजरी प्रार्थना प्रारंभिक कलीसिया के लोग ऐसे किए नहीं थे, बहुत सारे प्रश्न हम उठा सकते हैं, ये बाइबल में कहां है, ये सरल एक तरीका है हमारे लिए, बाइबल में कहां लिखा है रोजरी विनती। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि संपूर्ण रोजरी विनती वास्तव में पवित्र बाइबल से है। इस संदर्भ में संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट दो घटनाओं को हमारे सामने रखते हैं। उसका प्रथम घटना है इसी प्रकार के सोच रखने वाला, विश्वास करने वाला एक पाखंडी, यानी कैथोलिक विश्वास का विरोध करने वाला एक व्यक्ति, जब संत डोमिनिक पवित्र रोजरी विनती के बारे में लोगों को शिक्षा दे रहे थे, वह व्यक्ति और उनके साथ और भी उनके साथी लोग, वो एक प्रकार से लीडर के समान था, उन लोग वहां उपस्थित होकर टिप्पणी कर रहे थे और डिस्टर्ब कर रहे थे एक प्रकार से, तो इस कारण संत डोमिनिक दूसरों को भी शिक्षा नहीं दे पाए और लोग भी पवित्र कैथोलिक कलीसिया में वापस नहीं आ पा रहे थे इस एक व्यक्ति के कारण। और हुआ क्या, जैसे हम जानते हैं पहले केवल 3 खंड में पवित्र रोजरी के भेद या रहस्य बांटे गए थे, अब 4 खंड में है, ज्योति के भेद या प्रकाश के भेद संत पिता जॉन पॉल द्वितीय जोड़े थे। तो प्रारंभ में जैसे 3 खंड में बांट के रखा गया था, तो उस व्यक्ति के अंदर 15,000 शैतान या अशुद्ध आत्माएं घुस गए, 15,000, मतलब एक एक प्रणामरिया के जगह पर 100 अशुद्ध आत्माएं।
ये हमारे लिए भी कुछ बहुत ज्यादा जैसे लग रहा है कि कल्पना के समान, लेकिन जैसे संत मॉन्टफोर्ट कहे हम उसी रूप में ले ले, हम इस पर विश्लेषण या इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे। और उस व्यक्ति की स्थिति हम सोच सकते हैं, और उस व्यक्ति के माता पिता उसको लेके संत दोमिनिक के पास आए और गिड़गिड़ाए, वो व्यक्ति भी गिड़गिड़ाया, फादर जी मुझे माफ करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए, और वह व्यक्ति वहां उपस्थित लोगों से भी आग्रह किया है कि सभी मेरे लिए प्रार्थना करें। उसकी मांग स्वीकार की गई और लोग पवित्र रोसरी विनती करने लगे। और यहां लिखा हुआ है कि हर एक प्रणाम मरिया के समय में एक एक सौ अशुद्ध आत्माएं उस व्यक्ति के शरीर से निकलते गए, और पूरे पवित्र रोसरी विनती के समय में ही वो पूर्ण रूप से चंगा हो जाता है और वह सत्य मार्ग को स्वीकार करता है। और उनके जो साथी लोग, उनके जो अनुयायी थे, वे सब भी संत दोमिनिक के साथ मिलकर, वो जो पवित्र रोसरी का संघ था या रोसरी कन्फ्रेटर्निटी बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें वो भी शामिल हुआ और दूसरों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा देने लगा। दूसरी घटना घटित हुई है 1482 में, 482 में, और ये कोई साधारण मनुष्य या लोकधर्मी या गैर कैथलिक लोगों के द्वारा नहीं, ये दो कैथलिक पुरोहितों के द्वारा एक शहर में पवित्र रोजरी विनती का संघ का निर्माण करने की कोशिश में कुछ फादर लोग सब जाकर वहां लोगों को शिक्षा दे रहे थे, और लोग भी इसमें विश्वास करके इस पवित्र रोजरी संघ में या रोजरी कन्फ्रेटर्निटी में जुड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। और ये जो दो फादर लोग हैं उन लोगों के अच्छा नहीं लगा, और ये उस क्षेत्र के बहुत ही ज्ञाति या फेमस प्रचारक थे, तो ये दोनों मिलकर इसके विरुद्ध में प्रचार करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, और एक चर्च में इनके लिए समय दिया गया था, और ये अच्छा से तैयार करके एक फादर को उस दिन प्रवचन देना था या प्रचार करना था पवित्र रोजरी विनती के विरुद्ध। लेकिन वो फादर आए नहीं, हुआ क्या था, उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। तो दूसरा फादर जो थे वो इस लेख को अपने पास ले जाकर वे स्वयं भी उसके ऊपर तैयारी करने लगे थे। क्या सोचकर, वे सोचे कि उनके दोस्त की जो मृत्यु हुई वो साधारण रूप से हुआ होगा, तो ये उस पर तैयारी करने लगे। और जिस दिन इन्हें देना चाहिए था प्रवचन, उस दिन इन्हें लकवा मारा, ये अपने पलंग से उठ नहीं पाए, और उसके बाद इसको समझ में आया कि वो गलत रास्ते पर है और उसका दोस्त भी इसी कारण मर गया। तो ये लोगों से माफी मांगने लगे और लोगों से कहे कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, और लोगों की प्रार्थना के कारण, और ये भी मां मरियम से एक वादा किए कि मां यदि तू मुझे चंगा करेगी तो मैं भी इसी संघ में रोसरी कन्फ्रेटर्निटी में मैं भी जुड़कर इसके लिए कार्य करूंगा और तेरे इस शक्तिशाली प्रार्थना का प्रचारक मैं बनूंगा। तो इसकी प्रार्थना सुनी गई और मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा इस फादर को चंगाई मिली, और ये उसके बाद में जाकर पवित्र रोजरी विनती का प्रचार प्रसार करने लगे। जैसे प्रारंभ में हम देखे हैं कि ये हो सकता है कि कुछ काल्पनिक कहानी जैसे हमें लग सकती है, लेकिन वास्तविक हम पवित्र रोजरी विनती को हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा महत्व देने पाए और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ईश्वरीय हथियार का उपयोग अपने जीवन में और दूसरों की मुक्ति और भलाई के लिए भी करने पाए। आइए हम एक साथ मिलकर पवित्र रोजरी विनती में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रिय जनों को, विशेषकर जिनके लिए इन वेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन वेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुआरी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धन्य सार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। महिमा के भेद। पहला भेद, प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। चिंतन। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ पड़ते ही नारियां ईसा के शरीर को सुगंधित द्रव्य से लेपन करने के लिए कब्र के पास पहुंची। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ और खाली कब्र को पाया। तब स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन में कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे जी उठे हैं। बाद में यीशु ने मरियम मग्दलेना, प्रेरितों एवं अन्य अनेकों लोगों को दर्शन देकर उनके जी उठने का प्रमाण दिया। प्रार्थना। हे जीवन के स्रोत प्रभु यीशु, तीसरे दिन मृतकों में से पुनः जीवित होकर तूने मृत्यु और उस पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त कर दिया है,
हमारे परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, प्रभु येसु का स्वर्गारोहण। चिंतन, प्रभु येसु ने जी उठने के बाद अपने प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते थे। इसके बाद येसु ने बथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तब एक स्वर्गदूत ने उनके पास आकर कहा,
वही प्रभु यीशु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मैं पिता के यहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हे प्रभु, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जी सकें। शोधाग्नि की सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए इस प्रार्थना को समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए।
तीसरा भेद, पवित्र आत्मा ईश्वर प्रेरितों पर उतरते हैं। चिंतन, प्रभु येसु के स्वर्गारोहण के 9 दिनों के बाद जब पंतकोस्त का दिन आया और जब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। उन्हें सुनने वाले सब लोग बड़े अचंभे में पड़कर चकित रह गए। प्रार्थना, हे प्रभु, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है और पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों के लिए प्यासी है। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि हम तेरे गवाह बने। सभी सुसमाचार के सेवकों और साधना केंद्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा दीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती है। चिंतन, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उनकी इच्छा अनुसार उनके प्रिय शिष्य योहन ने माता मरियम को अपने यहां आश्रय दिया। वह यरूशलेम व एफेसुस में रहकर सुसमाचार का साक्षी बनी। पिता ईश्वर ने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के समान सह मुक्तिदायिका मरियम को भी उनके इस संसार के जीवन के अंत में शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया। प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा मरियम दिखाई पड़ी। प्रार्थना, हे प्यारी मां, तू ईश्वर के शब्द प्रभु यीशु को अपने हृदय एवं कोख में वहन करने वाली नए विधान की मंजूषा है। तूने प्रभु के योग्य निष्कलंग एवं विश्वास जीवन बिताया, इसलिए पिता ने प्रभु यीशु के समान तुझे कब्र में गलने नहीं दिया। हे प्रभु, हम सब लोगों के शरीर मन आत्मा की पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवा भेद, माँ मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाया जाता है। चिंतन, प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। प्रार्थना, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा और धन्यवाद अनंत काल तक होवे। हे प्रभु, तुम मुक्तिदाता आदम और मरियम सह मुक्तिदायी का हेवा है। तू संसार का राजा और मरियम रानी, हम संसार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि देश देश के बीच और सब धर्म के लोगों के बीच तेरा राज्य आवे। हमारे राष्ट्र के नेताओं और धर्मगुरुओं, अधिकारियों आदि के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भ्रष्टाचार से दूर रहकर देश में ईश राज्य की स्थापना कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया, आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अपने हाथों को जोड़कर, अपनी आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी हो गए। Hey,
करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। Thank you.
प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। याद कर विनती, याद कर हे परम दयालु कुमारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हूँ। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ,
मेरी विनती को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहें। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोजरी विंदी किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा